किसे की ना मन रहो जाट हो जहर जो जाट की ना मन रहा हो जाटनी गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और सोमवीर जी कितनी देर के लाग रही है, एक घंटा हो गया, 5:30 हो रहे हैं। तो ऊपर लाग रहे थे छात छूट सब कुछ दो जाए दो दी छात, क्योंकि मन 3 टन दो ली हमारे बेरा पट्टा, क्योंकि ये चटाई गेर दे हैं फिर नीचे पानी ना जा पावे हमारे, पर्दा वर्दा चटाई वटाई कूलर चला रखा है, मोटर चलन लग रही है और सारे का दे दिया पानी, पौधे में भी सारे का थी बढ़िया मस्त खुश हो रहे हैं नवा दिए। तो सारे पौधे जिन्ना सब कुछ धो दिया ऊपर तलाग नीचे थी सारे में कति बढ़िया वाला पानी दे दिया। और हम ईब जाऊंगे दूध लेन, तो मैं भी जाऊंगी, मन भी बहुत बढ़िया लग गए वे गाय, जब आड़ा आ जाना जब मैं भी जाऊँ मैं उन्हें भी ले चलोगे। हेलो गुड मॉर्निंग, मैंने भी ले चलोगे ना। तो पौधे में पानी ने दे दिया है सारे में, लाइट बंद नहीं करी, लाइट चसन लग रही है। कई जमाई थी फ्रिज में रख दी है उठा कर, बच्चे भी सोन लग रहे हैं, और तो कोई किचन का काम है को ना, चाय वाय ये लेते को ना, तो मना करते हैं कि मेरी मत बनाई मेरी मत बनाई फिर मैं बनाती है को ना। तो चलो एक बार है ना जो ना गेर का आए थे कल भूल गई मैं दोबारे, तो इसमें फिर शाम ना खाया था तरबूज, तो तरबूज भी गया है, तो सारी चीज़ा ना मिक्स करता ही जल्दी तो गेर आऊँ, क्योंकि फिर सुबह दिन हो गया ना मतलब, तो फिर मक्खी वक्खी आ जाएंगी है ना। तो चलिए गाइस मिलते हैं, तो हम जाऊँ गाइस दूध लेन, दूध लेना आ गए हैं गाइस, दूध कड्डन लाग रहा है, मन सोची इतना थोड़ी देर घूम लो, सूरज भी निकल गया है। थाना है अड़ियो थाने के पास, तो ये नाम ले मैं गाय के है ना। दूध पे देखो वो डक रखा है और मारी मारी डोली रह रही है वह बरनी, सूरज भी निकल गया है, तो हम मैं अड़े आ गई इनके इस पे बैठ के थोड़ी देर आंट के इनके घर आ। गाइस दूध ले आए हैं पर पहला वाला ना रहता था, तो मैंने सोची चलो मलाई काट लूं इसकी भी, और बताऊं थी ना आपने कि उस दिन हमने थोड़ा दूध मिला था कल, तो इस मारे और इसकी भी काट लूं। तो इनकी भी मलाई काट दी है और हाथ पे भी ना लग गई है। और दूध भी ले आए हैं, सोमवीर जी बाहर थे वे, तो मैंने मलाई काट दी है इनकी दोनों की, इसकी भी कट गई और इसकी भी, तो इन नई भी इसमें रता दूंगी, योगी भी निकाल ले कल फ्रिज में जंगाई ना थी, तो इस मारे फिर दूध दाद का काम होना ना पाया, तो ये भी इसने भी इसमें पानी जो नीचे होगा उसने दिता कर नहीं, इसने घी ने भी ताऊंगी और दूध भी ओस दूँ, और इनमें जो दूध गाल कदर दूँ, क्योंकि ये पतीले धुलेंगे दोनों जब भाई इसमें दूध उपजेगा, तो चलो एक बार इन्ना दूध दूँ पहला। गाइस दूध दाद ओस दिया है और बर्तन वर्तन भी सारे साफ कर दिए हैं, दूध धर दिया है तो वो गर्म हो जाएगा इतना, और घी ना सोमवीर जी नाट गया शनिवार है ताड़ना, तो मैंने वो उसका निकाल कर ना और अलग कटोरी में डाल कर रख दिया है, तो वो कल लताऊँगी आज ना तकती, तो चलो टाइम भर लिया है, दूध गर्म होने लग रहा है फिलहाल ही, थोड़ी देर लोटे बैठे क्योंकि थक गए। तो गाइस मैंने सारी तैयारी कर ली बनाने की सब्जी, सब्जी मैं आज बनाऊँगी मैं कड्डी, कड्डी बनाऊँगी, तो टमाटर और मिर्च भी पीस लिए थे, और लस्सी तो मैंने कल शाम नहीं निकाल दी फ्रिज वाले में रख दी थी निकाल कर ना, आड़ा दरूंगी तू गुज्जे हैं,
और आखिर माँ का देखा तो बेसन खत्म, इसमें मड़ा सा पड़ा है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। और नाश्ते में बनाए थे आज पराठे, तो यो भी रखा ना खाया। टमाटर दो कदर दिए हैं क्योंकि पन्नी में बंदे धरे थे हर कई टमाटर है ना, वो अजीब से हो गए थे, ख़राब से हो गए थे। दूध गर्म हो गया है, बार दर दिया है और मैंने इन तई आम भी काट दिए हैं, तो ये बक्कल पड़े इन्हें भी बैस खा ले हरा जी होकर ना। और दूध ये दरे दोनों गर्म हो रहे हैं और आम हम ये रहे काट कदर रखे हैं, खा ले जी जी। इसका मुंह देखो एक बार, थारा भी करा कर कोई नहीं, काटे कटाए ने भी मतलब मुंह बना कर खावे है के, तो ये कौन खागा। और देखो मैंने छोल का काट रखे हैं, हर छोल का कि कोई नहीं देता होगा नू, छोल छाल का काट पीट का सब कुछ। तरबूज के भी एक एक बीज काट कर दूं हूँ, कचरे के बक्कल वो पीछे तो उतार कर ना, बक्कल उतार कर ना जब काट कर दूं हूँ, जब भी इन तक खाया नहीं जाता, तीन माह तक कोसे थे भी काटा ला कर दे दिया मकाई इस तक खा ले। तो चलो ये मेरी कड्डी रहेगी अन्नी जा रहा है जिम में, तब वो लेकर आऊंगा बेसन का थाती होना लेकर आऊंगा मम्मी, तो इतना मेरा कोई काम कौन है। तेरे पापा गया है, तो मैं बात हो रही थी फोन पे, मैं भीतर थी नू कह के पापा ही लेन गया क्योंकि वो जिम में ही था इस मारे, तो चलो इसका पापा लिया होगा, कोई लिया हो मेरे ती तो मन खड्डी बनानी है। आरी सा मतलब पहली बार होया है, आरी बाण का गुस्सा भी करेंगे नू कहेंगे पहला क्यों ना बताई, क्योंकि पहला ये एडवांस में चीज़ ला कर दर्द दे हैं और मेरे दिमाग तक कत्ती लिखड़गी। चलो कोई ना यारे तो ले आऊँगी आज। तो गाइस बेसन आ गया है तो है ना, हम घर आए पीस लिया कर पर एक आधी वह हो जा इसी गलती साकी है जो करता उसमें जब चून चान पीसा ना तो घर आए पीस लिया कर। ये भी कहाँ थे सोमवीर जी के दाल लिया दूँ मका ना ही, तो लेट हो जाएंगे इस मारे। तो चलो एक बार मैं पहला कड्डी का वो कर दूँ गोल गाल बना लूँ छोकन थी। तो गाइस कड्डी दी है मैंने छोक और मारे टमाटर खावे खड्डी में भी, तो इस मारे डालने पड़े हैं ते ब्याई लाते रहना है। इतने में चावल और दो पदर दू और बन जाएंगे। मैंने पानी रख दिया है क्योंकि आज मैं चावल वे बनाऊंगी पानी निकाल कर, और चावल भी दो दिए हैं और एक ही और रह गया है लस्सी का, तो इसने बाद में दूंगी क्योंकि इसको चुगर देगा ना लस्सी जम रही थी इस मारे। गर्म पानी ओलन दो फिर उसमें चावल डाल दूंगी, कड्डी भी बनने लाग रही है और मेरा तो कथी लाल मुँह हो जाए गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है और कूलर भी चला रखे है बाहर, बाहर ने ना सांस मिलना है रसोई से। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया था, काफ़ी टाइम हो गया और हम लोट भी लिए, सोई तो मैं कौन है पर लोट ली थोड़ी देर और एक चाय बना के लाया है हनी, तो चाय पियोंगे। तो गाइस चाय पी लो और वो भी हनी के हाथ की है नी, कह रहे थे नी कैमरा साफ करो यही भाया मस्त अनी ने भूख ला गया तो यो फिर तक कड्डी चावल खाओ थोड़े से अपने छोड़ रहा था असल में, तो पूरे ना खाए थे जो बढ़िया बंडे हैं ना। आज मैंने पकोड़े ना गिरे जा हमारी गाड़ी ना हो बेटा, वे पकोड़े भी तो अपने उसमें सोख ले ना, वो पानी सा इसमें जितना होगा इस मारे। तनी के हाथ की चाय पियो नू कह कदे कदे लग गया है मौका, हनी देता रहा करी सा मौका रोज बाल ने कटवाया बेटा, बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे तेरे। ठीक है मैंने बर्तन वर्तन साफ कर दिए, चाय वाय पिए और टमाटर दो कदर रखे उठा कर रखने थे, तो कपड़े वपड़े लेना जा बीच में तो फिर मैंने अपना काम छोड़ना पड़ जाए इस मारे। तो चलो ई भी न सारे न जचा दू, बर्तन वर्तन मैंने धोए दिए हैं। तो गाइज रोटी राटी खा ली है और ना इतने पसीने आने लग जा हाँ, तो मैंने सूती चुनिया ले ली और कढ़ाई रख दी है और
अभी भी मेरा सब क्यों नहीं हुआ खंडा पड़ा, क्योंकि मन्ने भी एक रोटी खानी थी तो मैं भी खाया ही। बर्तन बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए हैं तो मैं बनाऊंगी हलवा थोड़ा सा। रितिका मुँह कह मैंने रोटी ना खानी, मैं हलवा खाऊंगी थोड़ा सा। तो चलो रोटी बनाऊंगी हलवा, बेसन का थोड़ा सा और थोड़ा सा रवा गिरूंगी। इस चाशनी भी होगी है रेडी और बस जो भी होने वाला है। 9 बज गए, दवाई का टाइम हो रहा है मेरा। तो गाइज हलवा बनकर हो गया है रेडी और खा लो, बढ़िया ही बन रहा होगा। खांड खत्म हो गई थी तो खांड भी निकाल ली है, क्योंकि खांड यूज करें हम या। और बर्तन बर्तन और तो सारे साफ कर दिए, पर यह कढ़ाई रह गई है। इस नॉर्म का थोड़ा सा पानी गाल कर दिया है, तो एक बार ये हलवा दे दूँ गर्म गर्म बड़कन। गाइज यह लाग रही है काम अपने में, ले ले पारुल तू भी थोड़ा थोड़ा सा खा ले। और रितिका ने बनवाया था हलवा, कैसा बन रहा है? सही लग गया? सही लग गया, बढ़िया बन रहा है। यह हलवा खाया करे ना, हलवा बहुत बढ़िया लग गया करे। और यो सारा इसका काम खिंडा पड़ा है, तो हम कहाँ बैठे बेड पे। यो के बना दिया इतना अच्छा जी ले। मतलब कुर्सी पर रहना आज, वाह। यो के है, ओहो तुम तो बड़ा डिजाइन बना दिया। हाँ जी सही बन रहा हलवा, हनी सही डाइट चल रही है, ठीक है। जिम के बाद हलवा तो खाना चाहिए, जब घी ना घी तो बता रखी जी जी, थोड़ा सा ही गल है हूं तो माँ ने बताई खा सके मगा एक माँ ने बताई। तो चलो गाइस हलवा खा ले, गरम गरम अपना खाना होता आप भी आ जाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।